मॉर्निंग एवरी वन, नमस्कार, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड सेफ एट होम। आई एम सुषमा चतुर्वेदी फ्रॉम न्यू एरा ग्लोबल किड्स। लेट स्टार्ट प्रेयर। जॉइंट योर हैंड, क्लोज योर आईज। ओम भूभुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कौन सा है? क। क से कछुआ, क से कमल, क से कबूतर, क से कलम। सेकंड व्यंजन हमारा कौन सा है? ख। ख से खटमल, ख से खीरा, ख से खरबूजा, ख से खरगोश। नेक्स्ट व्यंजन हमारा कौन सा है? ग। ग से गमला, ग से गाय, ग से गणेश, ग से गाजर। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा घ। घ से घर, घ से घोड़ा, घ से घड़ा, घ से घड़ी। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा अंग। अंग से खाली, अंग से खाली। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा च। च से चम्मच, च से चूहा, च से चांद, च से चारपाई। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा छ। छ से छतरी, छ से छत्ता, छ से छत, छ से छाड़ी। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा ज। ज से जहाज, ज से जीप, ज से जग, ज से जोकर। नेक्स्ट है हमारा झ। झ से झंडा, झ से झाड़ू, झ से झूला, झ से झरना। नेक्स्ट है हमारा यंग। नेक्स्ट है हमारा यंग। यंग से खाली। नेक्स्ट है हमारा ट। ट से टमाटर, ट से टोकरी, ट से टब, ट से टमटम। नेक्स्ट है हमारा ठ। ठ से ठग, ठ से ठप्पा, ठ से ठेला, ठ से ठटेरा। नेक्स्ट है हमारा ड। ड से डमरू, ड से डंडा, ड से डिब्बा, ड से डबल रोटी। नेक्स्ट है हमारा ढ। ढ से ढोलक, ढ से ढक्कन, ढ से ढपली, ढ से ढाल।
स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ऐसे हमको ये लाइन दी हुई है, लंबी लाइन्स में लिखना है हमको, ठीक है, ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखना है। यू कर, उसके बाद ही में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, यू कर, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, यू कर, लाइन से टच करते हुए, उसके बाद ही में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, यू कर, उसके बाद ही में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, हमारा व्यंजन बन गया रा। रा से खाली, ऐसे हमको यहाँ पे लिखना है, लाइन से टच करते हुए यू कर, सबको पता है ना यू कर, उसके बाद में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, रा यू कर, उसके बाद में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, यू कर, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया रा। रा से खाली, ये हमारा व्यंजन कौन सा है, रा से खाली, कैसे लिखना है देखिए, यू कर, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, रा। ऐसे हमको डेट लिखनी है, टास्क वर्क लिखना है, इस तरीके से ये लंबी लाइंस में हमको लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है, नीट एंड क्लीन। अक्षर रचना पेज नंबर 33, अक्षर रचना पेज नंबर 33, यहाँ पे हमको डेट लिखनी है, ये डेट दिया हुआ है, यहाँ पे हमको डेट लिखनी है और यहाँ पे हमको क्लास वर्क लिखना है। यहाँ पे डेट, क्लास वर्क, ये हमारा व्यंजन कौन सा है, रा। कौन सा व्यंजन है हमारा, रा। कैसे लिखना है, लाइन से टच, ब्लू लाइन से टच करते हुए यू कर, यू कर, यू कर बनाया, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक, ये हमारा बन गया रा। कौन सा व्यंजन बन गया हमारा, रा। अब हमें करना है अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए, ये हमें डॉट दिए हुए हैं ना, इस पे हमें कैसे ट्रेस करना है, ये हमें डॉट दिए हुए हैं, कैसे ट्रेस करना है मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। देखिए, ब्लू लाइन से टच करते हुए यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया रा, ठीक है। यहां से देखिए, ब्लू लाइन से टच करते हुए यू कर, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा व्यंजन बन गया रा। ऐसे हमको ये, ऐसे हमको ये पूरा ट्रेस करना है, ठीक है। ये देखिए, यू कर, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, यू कर, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, यू कर, ऐसे हमको इसके ऊपर सुंदर सुंदर पेंसिल से ट्रेस करना है, ठीक है। ब्लू लाइन से, ये देखिए हमको इस तरीके से लाइंस दी हुई है ना, ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक लिखना है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, ब्लू लाइन से टच करते हुए यू कर, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक टच होगी और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया व्यंजन रा। व्यंजन हमारा कौन सा है, ये रा से
टच करते हुए यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक टच करना है, वहां नहीं निकालना, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ऐसे यहाँ पे यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा व्यंजन बन गया डा। ऐसे हमको यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है डॉट, हमें इस पे हमें कैसे ट्रेस करना है, जैसे हमने ऊपर किया है वैसे इसको हमें यहाँ पे ट्रेस करना है। देखिए यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ब्लू लाइन से टच करते हुए यू कर्व, सबको आता है ना, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ब्लू लाइन से ब्लू लाइन, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से हमको ये पूरा कंप्लीट करना है, ये हमें डॉट दिया हुआ है, हमें इस पर ट्रेस करना है, ठीक है, ऐसे सुंदर सुंदर करना है, बाहर नहीं निकालना है। यू कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, आप देखिए ये हमें बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में हमें कैसे लिखना है, अभी तक तो हमने ट्रेस किया था ना डॉट के ऊपर, अब देखिए इसमें हमें कैसे लिखना है, ये हमको ब्लू लाइन दी हुई है, यहाँ से टच करते हुए यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ब्लू लाइन से टच करते हुए नीचे ब्लू लाइन तक, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया रा। यू कर्व, ब्लू लाइन से टच करते हुए उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा व्यंजन बन गया रा। ऐसे हमको बॉक्स में अच्छा अच्छा लिखना है। अब देखिए ये भी हमें ट्रेस करना है, कैसे करना है, ऊपर किया था हमने, देखिए यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा व्यंजन बन गया रा। कौन सा व्यंजन बन गया हमारा, रा, रा से खाली। ये देखिए फिर से यू कर्व, ब्लू लाइन से टच करते हुए उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा व्यंजन बन गया रा। रा से खाली। ऐसे जैसे हमने ये दो बॉक्स दिए हुए थे ना, हमने लिखा था, अब देखिए ये हमको बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमें कैसे लिखना है, ब्लू लाइन से टच करते हुए यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा व्यंजन बन गया रा। यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा व्यंजन बन गया रा। ऐसे हमको देखिए इस बॉक्स में ऐसे लिखना है, ब्लू लाइन से टच करते हुए यू कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा व्यंजन कौन सा है, रा। रा से खाली, ठीक है, इस तरीके से हमको लिखना है। अब ये दिया हुआ है, चित्र पहचान कर उनके नाम का पहला अक्षर लिखिए, चित्र पहचान कर उनके नाम का पहला अक्षर लिखिए। ये विच पिक्चर इज दिस, टमाटर, विच पिक्चर इज दिस, टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर, देखिए ब्लू लाइन से हमें टच करते हुए लिखना है, ट से टमाटर, विच पिक्चर इज दिस, डमरू, विच पिक्चर इज दिस, डमरू, ड से डमरू, कैसे लिखना है देखिए, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट हैंड को सी कर्व, अगेन राइट हैंड को सी कर्व, ड से डमरू, विच पिक्चर इज दिस, चरखा, विच पिक्चर इज दिस, चरखा, च से चरखा, स्लीपिंग लाइन, सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चरखा, यहाँ पे
पे भी स्लीपिंग लाइन करनी है बेटा, मैं भूल गई, सॉरी। विच पिक्चर इज दिस, विच पिक्चर इज दिस, ठ ठठेरा, ठ से ठठेरा। कैसे लिखेंगे? स्टैंडिंग लाइन फुल सर्कल, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ठ से ठठेरा। विच पिक्चर इज दिस, ढोल, विच पिक्चर इज दिस, ढोल, ढ से ढोल, ढ से ढक्कन। देखिए स्टैंडिंग लाइन सीकर और छोटा सा फुल सर्कल, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ढक से ढोल। ठीक है, यहाँ पे हमको डेट लिखनी है, क्लास वर्क लिखना है, ये हाफ पेज, दिस इज आवर क्लास वर्क पेज, और ये हमको होमवर्क में करना है, दिस इज आवर होमवर्क पेज। यहाँ पे डेट लिखनी है हमको और यहाँ पे होमवर्क लिखना है, ये पेज हमको क्लास वर्क में कंप्लीट करना है और ये हाफ पेज हमको होमवर्क में कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सुंदर सुंदर, इसी तरीके से हमको ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। यहाँ ये कौन सा हमारा व्यंजन है? र, र से खाली, र से खाली। आज का हमारा क्लास वर्क होमवर्क है, क्लास वर्क है पेज नंबर 33 इन अक्षर रचना र, हाफ पेज होमवर्क है हमारा, पेज नंबर 33 इन अक्षर रचना र, अदर हाफ पेज। थैंक यू, नमस्कार।